श्रीलंकारे जरूरीकालीन परिस्थिति घोषणा। श्रीलंका राष्ट्रपति देश छाड़ी पलायबा परे श्रीलंकारे जरूरीकालीन परिस्थिति घोषणा करा दैछि। खासकर पश्चिम श्रीलंकारे कर्फ्यू लागिछि। संसद भवन घेरिछन्ती विक्षोभकारी। प्रधानमंत्री को इस्तफा दाबी करिछन्ती एही विक्षोभकारी। बुधवार सकाळे राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्ष देश छाड़ी पलायबार किछि घंटा परे प्रधानमंत्री रानिल विक्रम सिंह को कार्यालय निकट में विक्षोभ करा। प्रदर्शनकारी को घोड़ाइबा पुलिस लुहबुहा गैस चलाई। प्रदर्शनकारी लाठीचार्ज करा। आंदोलनकारी और पुलिस मध्य जोरदार धस्ताधस्ती। परिस्थिति को नियंत्रण को आने को पुलिस चेष्टा चलाई। हजार हजार प्रदर्शनकारी जोरदार गंडगोल कर। राष्ट्रपति पत्नी और दुईज अंगरखी श्रीलंका वायुसेना विमान में मालदीप्र राजधानी मालेश्वर को पलाई। जदिओ राजपक्ष चापरे इस्तफा देवा को राजी होते किंतु रिपोर्ट अनुजाई श्रीलंकार संसदीय बाचस्पति ए पर्यंत राष्ट्रपति को इस्तफा पत्र को ग्रहण करना। श्रीलंकारे जरूरीकालीन परिस्थिति घोषणा करा जाइछि। श्रीलंका राष्ट्रपति देश छाड़ी पलायबा परे श्रीलंकारे जरूरीकालीन परिस्थिति घोषणा करा जाइछि। अधिक आलोचना करिबा हम सहित आलोचना जोड़ी कमलाकांत दास वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ। श्रीयुक्त दास स्वागत करुछि आपनकु आलोचना को। श्रीयुक्त दास जो स्थिति वर्तमान श्रीलंकारे ये स्थिति केवे स्वाभाविक हम ता तो जणा नै। ये स्थिति पई कहा को दायी करा जाय पारे? प्राथमिक प्रतिक्रिया आपनकर। देखो दायी करने को बहुत लोक दायी हे। प्रथम राजपक्षे सरकार और परिवार राजपक्षे परिवार जो माने सबू प्रतिपत्तिशाली और क्षमताशाली व्यक्ति जो माने राजपक्षे सरकार मंत्री थे प्रधानमंत्री थे राष्ट्रपति थे तेनाली प्रथम दायी हवा आवश्यक कारण से मिसमैनेजमेंट श्रीलंकार अर्थनीति जो परिस्थिति पहुंची से प्रथम कथा। द्वितीय कथ हूँ किसी जिनस कंट्रोल चला जहाँ से ठिकना भाव हाणल करना। द्वितीय कथ हूँ जो जिन कंट्रोल ना कोविड परिस्थित तथा श्रीलंकार आत्मघाती बोमा विस्फोरण आक्रमण हवा टूरीजम पर प्रभाव पड़ा ता सहित कोविड समय जो भाव में अर्थनैतिक प्रभाव पड़ा यूक्रेन युद्ध हवा ये सब जिनस कंट्रोल नाला मैनेज करा सहजता कि जहां कंट्रोल मिसमैनेजमेंट कर बहुत दुर्नीतिर आरोप लगी राजपक्ष परिवार उपर राजपक्ष सरकार एवं देखार अच्छी राजपक्ष सरकार बाहरी जाए विक्रम सिंघे जी काम चला राष्ट्रपति भाव बर्तमान इमरजेन्सी जरूरीकालीन परिस्थिति घोषणा करते वर्तमान केते समय भितर ये स्थित को नर्माल पाणी एवं भारत चाइना और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड केते साहाज्य कर श्रीलंका को ये कठिन परिस्थिति भितर उद्धार करने श्रीयुक्त दास भारत सब प्रकार समर्थन सहयोग कर एक कहु कथ आसुक्त दास ये स्थिति को केमती स्वाभाविक अणाजी बर्तमान समय कौन कर दरकार बर्तमान समय श्रीलंकार स्थिति को देखले प्रथम कथा हूँ इमरजेन्सी डिक्लेरेशन कले श्रीलंकार जो माने साधारण जनता अच्छा आक्रोश व आशंकार दूर हम ना जीपर्यंत इंधन खाइबा गैस तापरे मेडिसिन आउ मिल्क आउ छोट पिला आउ वयोवृद्ध मान जहां आवश्यक ता जेहेतु पहुंची पार ना साधारण श्रीलंकार जनता पाखे तेणु 22 मिलियन यही 2.2 करोर 2.2 कोटी लोकों पाखे जो भाव असुविधा से सम्मुखीन करगत मस मानक तेणु प्रोटेस्टर निश्चित भाव यह आंदोलन हवा स्वाभाविक जपर्त सरकार अर्थनैतिक स्थिरता न आनी साधारण जनता राजनीतिक स्थिरता उपर मुंड नहीं मेन मेन कथा डिमांड हूँ आम तरह मुंड पुरैक चाहूनु राजनीतिक स्थिरता अच्छी न अच्छी अर्थनैतिक स्थिरता आसा आवश्यक आवश्यक जिनस आवश्यक खाद्यपेय औषध इंधन यार आवश्यक अच्छी ताहा केते शीघ्र जनता पहुंची पारिबो केते शीघ्र आंदोलन बंद। अच्छा श्रीयुक्त दास जदिओ राजपक्ष चापरे इस्तफा देवा को राजी होते किंतु जदि देखा जाए श्रीयुक्त दास जे जहाँ रिपोर्ट कहूँ श्रीलंकार संसदीय बाचस्पति ए पर्यंत राष्ट्रपति इस्तफा को ग्रहण करना एभली स्थिति रे राजपक्ष छाड़ी चली जावा युक्ति युक्त कि नहीं राजपक्ष प्रकृत
ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଓ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରୁ ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିବା ଦରକାର ଏବଂ ତାହା ହେଲେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ସେଭଳି କଣ୍ଡିସନ ବୋଧ ହୁଏ ବିରୋଧୀ ନେତାମାନେ ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଜପକ୍ଷ ଅନୁମାନ କରିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ ମୋର ମିଲିଟ୍ରୀ ସୁପ୍ରିମ କମାଣ୍ଡର ରୋଲ ଅନୁସାରେ ମିଲିଟ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରୁ ବାହାରକୁ ନ ଯାଇପାରୁଛି ତାହେଲେ ଆଉ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଏଠି ଆହୁରି ବନ୍ଧନରେ ରହିବି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେବି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିବା ସମୟରେ ହିଁ ଦେଶରୁ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ। କମଳାକାନ୍ତ ଦାସ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ସଂସଦ ଭବନ ଗିରିଛନ୍ତି ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜପକ୍ଷ ଯେତେବେଳେ ପଳାୟନ କରିଛନ୍ତି ୟାକୁ ନେଇ ଇଏ ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, କେମିତି ୟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଅଣାଯିବ ଇଏ ବଡ଼ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରହିବ।